हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, फिलहाल इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश में। तो अभी पहुँचे हैं उस ट्रेन से, सामने हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ फ्रेंड्स। ये है गंगा नदी। जैसे फ्रिज में होता है ना पानी ठंडा, उतना है। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, नहीं। पानी बहुत ठंडा है। अभी हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है और चलते हैं अभी आगे। ये है पीछे गंगा नदी, पानी इसका बहुत ठंडा है। एक ब्रिज से ऊपर से जा रहे हैं, यह ब्रिज हिल रहा है, देख सकते हैं पीछे ये है नदी। इस बोट से चलते हैं उस किनारे पर, ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये का टिकट है, चलते हैं अभी। तो दोस्तों, फिलहाल इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश में, श्रीनगर जगह पे। तो अभी सुबह उठे हैं और टाइम हो चुका है सुबह 6:30 और सुबह नज़ारा कुछ इस तरह का है पहाड़ों में। तो अभी हमारे को पहली लिफ्ट मिल चुकी है, तो ये रेलों में कुछ काम करते हैं तो जा रहे हैं उधर। यदि पास में जाएंगे 30-40 किलोमीटर तो हम छोड़ देंगे उधर का। और हमारे साथ पीछे है SP भैया। सर, आपका नाम? मोहित। इनका मोहित नाम है। तो चलो चलते हैं आगे, नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो आप रेलवे में काम करते हो, तो रेलवे लाइन बन रही है ऊपर तक के लिए? हाँ जी हाँ। ये कहाँ तक बन रही है? ये सर कर्णप्रयाग। अच्छा, सोनप्रयाग तक। चलो अभी ऋषिकेश से ये सोनप्रयाग तक रेलवे लाइन बन रही है, तो 1-2 साल में बन रेडी हो जाएगी, तो फिर वापस आसानी होगी ऊपर जाने के लिए। कहाँ से आ रहे हो? आप अपने आगे रख लेना अपने पास। चलो, ये एक यहाँ बड़ा है। कोई बात नहीं, आप कहाँ से? हम राजस्थान से। राजस्थान से आए, उधर से लिफ्ट लेते लेते इधर। तो अभी हमारे को एक और लिफ्ट मिल चुकी है और अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग, और इन्होंने लिफ्ट दिए हैं। ये अपन को रुद्रप्रयाग तक लिफ्ट मिल चुकी है। यहाँ से रुद्रप्रयाग समथिंग 26-30 किलोमीटर है। अभी हम हाईवे पर खड़े हैं। ये पीछे हमारे पीछे हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर ये संगम हो रहा है नदियों का। तो अभी हम श्रीनगर से यहाँ तक लिफ्ट ले चुके हैं, समथिंग 71 किलोमीटर की लिफ्ट है। अपन को जाना है केदारनाथ,
तो केदारनाथ जाने का रास्ता ये है, तो चलते हैं इधर। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अपन को जाना है केदारनाथ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है केदारनाथ 51 किलोमीटर दूर है, तो अभी चलते हैं। सुबह के समय हो चुके हैं 9:20 और पास में ही एक नदी बह रही है। तो दोस्तों अभी हमारे को एक और लिफ्ट मिल चुकी है, हम इस गाड़ी में बैठे हैं, पीछे खुली गाड़ी है एकदम, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो पीछे देख सकते हैं पहाड़ का दृश्य। तो अभी हम सोन प्रयाग में पहुंच चुके हैं और पीछे ये रही हमारे ये पार्किंग है सोन प्रयाग की। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हुई हैं यहाँ पर, देखो पास में उधर नदी बह रही है, सामने पहाड़ है। दोस्तों अभी हम मॉर्निंग में है, यात्रा शुरू कर दी है और हमारे साथ हैं सुल्तान भैया, और अभी भी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं इतने सारे श्रद्धालु हैं, यात्री जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ मंदिर। तो अभी हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, ये चढ़ाई है, तो हमारे कुछ दोस्त पीछे रह गए हैं, उनका वेट करते हैं। हम दो बंदे आ चुके हैं सुल्तान और मैं, दोस्तों मैं और रापू भाई आगे आगे हैं, और हमारे जो टीम के 3 मेंबर अभी वो पीछे आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग यात्री घोड़ों पर भी सफ़र कर रहे हैं। अभी हम समथिंग 5 या 6 किलोमीटर चढ़ाई कर चुके हैं और यहाँ से समथिंग 14 या 15 किलोमीटर और है, तो चलते हैं, शाम तक आराम से हम पहुँच जाएंगे। कहीं मेरे हाथ से नहीं उठ के चला जाएगा, डरना मत। नहीं नहीं डरने वाला मैं। पीछे हो जाओ यार, ये लग जाएगी। फॉलो में चलता रहे, चलता रहे। चलो चलो, घोड़े सभी यहीं पर खड़े हो गए हैं। तो समथिंग यहाँ से अभी 10 किलोमीटर और है, अभी धूप खिली है, पानी ऊपर से आ रहा है, वो देखो ऊपर देखो, वहाँ से आ रहा है ठेठ, वहाँ से आते वाला नीचे जा रहा है। चलता रहे चलता रहे चलता रहे। यहाँ पर खच्चर बहुत है, तो पैदल चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। नीचे से एक ऊपर से है, ये नीचे का रास्ता, यहाँ से घोड़े अच्छा जा रहे हैं और पैदल जाने के लिए रास्ता अच्छा उधर जा रहे हैं, और मौसम अभी साफ हुआ है तो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं केदारनाथ वाले। ये है पैदल पुलिया और पीछे वो है कचरों के लिए, और ऊपर से पहाड़ से पानी आ रहे हैं, ये हिल रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है एकदम साफ। अपन को जाना है ठेठ ऊपर देखे, उस चोटी पर जाना है, सीधा यहाँ से रास्ता ये घूमते घूमते उधर तक जा रहे हैं, और अपन भी चलते हैं। ये इधर से वापस घूम गए हैं क्योंकि आगे मौसम ख़राब है, काफ़ी बादल है, तो ये हेलीकॉप्टर इधर से वापस घूम गए हैं। अभी काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर है, वो इधर से वापस घूमते वापस चले गए हैं।
ये हम वहाँ से जहाँ दिखाई दे रहे ना उधर उधर से ट्रैकिंग करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारे को पीछे बर्फ़ दिखाई दी है। ये देखो काफ़ी सारी बर्फ़ जमी हुई है। सुल्तान भाई भी आ चुके हैं और इधर काफ़ी सारे बादल हैं। अभी काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर आए थे, वो मौसम ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ से वापस चले गए थे घूम के वापस। चलो आपको दिखाते हैं यहाँ की बर्फ, पहाड़ों की बर्फ। पानी बहुत ठंडा है। ये देखो पहाड़ के ऊपर जमी हुई है बर्फ। ये देखो अभी हमने डंडा, ये देखो ये रही बर्फ, काफी ठंडी है। ये रहे कैचिंग, और दूं क्या? अरे हाथ ठंडा हो गया इतना जल्दी। अरे पानी बहुत ठंडा है, जाने दिया बूटों में चला जा रहा। अभी और तोड़ते हैं इतना। ये रखो गुल्फा, ये ला भैया, हाथ काफी ठंडे हो चुके हैं। ये बर्फ है, ये देखो वो नीचे तक जा रही है। काफी अच्छी बर्फ है, काफी ठंडी बर्फ है। चलो ये बर्फ है, अभी चलते हैं आगे। अरे रास्ता वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अपन को जाना इधर से पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर हो रहे हैं तो हमारे कुछ ये छोटी छोटी ओस की बूंदे उड़ रही है हवा में। आप नीचे से देखोगे तो ये बादल दिखाई देगा आपको, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एकदम देखो ओस की है, ये कैमरे पर जम गया अभी। और इसी तरह यहाँ ऊपर देख लो, ये बादल है चारों मेर। तो बादल वाले कुछ नहीं होता है, ये ओस की बूंदे होती हैं। इन्हीं से ही ऊपर पहाड़ों में मिलकर पानी बन के वापिस नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाता है। बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई है, ये देखो नीचे तक। यहाँ का मौसम भी ठंडा है एकदम, लेकिन उतनी सर्दी नहीं लग रही है अभी। अभी अपन को जाना है उधर टॉप पे, तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो हमने रेनकोट पहन लिया है। पीछे बहुत सारे बादल आए हुए हैं और यहाँ से केदारनाथ 3 किलोमीटर और है, तो चलते हैं आराम से। सामने देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, लंबी लाइन बनी हुई है देखो, फिर उधर तक जा रहे हैं। और पीछे बादल कुछ दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे केदारनाथ। अभी हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं और यहां से केदारनाथ समथिंग 1.5 किलोमीटर और हैं। और मौसम में पीछे अभी साफ हो चुका है तो हेलीकॉप्टर दोबारा से आने शुरू हो चुके हैं। और देख सकते हैं पीछे बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है, सामने भी पहाड़ पर बर्फ़ है। ओ सामने रहा केदारनाथ का मंदिर, कुछ ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। चलते हैं आगे, ये देखो बादल जा रहे हैं, किस स्पीड से बादल जा रहे हैं देखो। यहाँ पर मौसम चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कभी बारिश कभी बादल। अभी हेलीकॉप्टर आना बंद हो जाएंगे क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। और वो सामने उधर रहा हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर आते हैं। दोस्तों फिलहाल फाइनली हम केदारनाथ पहुँच चुके हैं, हमारे पीछे रहा ये केदारनाथ मंदिर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और काफ़ी सारे बादल हैं यहाँ पर, कुछ पहाड़ों का दृश्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखे तो बर्फ़ जमी हुई है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं
और हमारा एक साथी पहले ही पहुंच गया था, उसने टेंट लगा लिया, तो अभी हम यहाँ पर टेंट लगाते हैं और रात को यहीं पर रुकेंगे। जयपुर से टेंट दिलाया था सुल्तान भाई को, तो वो टेंट अभी यहाँ पर लगाएंगे। ये है सुल्तान भाई, हमारे पास फोन नहीं है। चलो अभी हम लगाते हैं टेंट। तो अभी हमने टेंट लगा लिया है, ये बारिश और सर्दी से बचाएगा, ये -0 डिग्री तक ये काम करेगा टेंट हमारा, और बरसात आएगी तो वाटरप्रूफ है, तो पानी इसके अंदर नहीं आएगा। चलो इसके अंदर अभी चलते हैं, इसके अंदर तो कुछ इस तरह से का है ये हमारा टेंट, इसमें 3 बंदे आराम से आ जाते हैं, लेकिन हम 2 ही बंदे हैं तो आराम से सो जाएंगे इसके अंदर। अभी लाकर रखते हैं सामान। तो अभी हम टेंट में आ चुके हैं, ये है हमारा टेंट, और अभी हम इधर पास में एक भंडारा था वहाँ पर खाना खाकर आ चुके हैं। सुल्तान भाई आकर लेट चुके हैं यहाँ पर। गाइस आपको पता है कि राजस्थानी भंडारे में जाने में कितने माहिर है, हमने तो भंडारे बहुत देखे हैं, तो हम तो टारगेट रखते हैं कि भंडारा कहाँ है, और मैंने तो चादर ले लिया के, क्यों दिन में बहुत परेशान हो चुके, तो अभी सोने का प्लान है पूरा। यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री लगभग है, काफी ज्यादा सर्दी नहीं लग रही है, अंदर का टेम्परेचर, और आराम से यहाँ पर रह जाएंगे, और बारिश आएगी तो ये वाटरप्रूफ है, अंदर पानी नहीं आएगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। तो सुल्तान भाई सो चुके हैं, तो अभी हम भी सोते हैं। देखो 6:36 हो चुके हैं, नींद बहुत ही अच्छी आई थी। अभी दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। दोस्तों मंदिर के पास में पहली बार कैंपिंग की हमने, बहुत ही अच्छा लगा जाकर। यहाँ बाहर चलते भी थोड़ा सर्दी का जुगाड़ करते हैं। हमारे भाई ने टूर भी टेस्ट किया आगे। ये देखो एसपी भाई क्या कर रहे हो। हेलो गाइस, बाहर का मौसम देखो यार, धूप आ रही है सच में। चाय बना ली है एसपी भाई ने। चलो बाहर निकलते हैं। ये है हमारा गाइस आज सुबह सुबह साधन, चाय नाश्ता बनाने के लिए। हाथ हिल रहे हैं यार सर्दी से, बाहर बहुत सर्दी है। दोस्तों अभी हम रेडी हो चुके हैं, बोल रहे हैं पीछे हमारे टेंट, और सुल्तान भाई हम रेडी हो चुके हैं, और हमारे पीछे ये है बाबा जी का मंदिर, और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, और बाबा जी का दर्शन हम शाम को करेंगे। भाई अभी हम भंडारे पहुंच गए हैं और खाना खा रहे हैं हमें और सुल्तान, हम ऊपर जा रहे हैं इन सीढ़ियों से। अभी हम मंदिर जाके आ चुके हैं, और अभी प्लान बनाया है कि हम चलते हैं पहाड़ों के ऊपर। हमारे एक दो दोस्त ऊपर जा चुके हैं, और राजू और मैं बच्चे हैं, तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर। अभी हम चारों भाई इधर आकर बैठ गए हैं पर्वत पर, तो राजेश भाई लेके आए ड्रोन, ड्रोन रेडी हो चुका है, हो रहा सामने, तो अभी उड़ाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये है भीमशिला, जो 2013 में आपदा आई थी, वहाँ से चलकर यहाँ पर ये आ चुकी थी, ये काफ़ी बड़ी थी, अभी छोटी कर दिया है इसको। अभी हम चलते हैं अपने टेंट में, तो हमारे दोस्त पहले ही चले गए टेंट में। ये भीमशिला एक वो पत्थर, ये पत्थर काफ़ी सारे पत्थर आए थे उस समय, इस पत्थर की वजह से पानी दोनों तरफ चला गया था, उससे इंद्र बच गया था। बोल रहे हैं सब भगवान की कृपा है, धूप खिली है, कभी धूप है कभी बादल आके छाया हो जाते हैं, लेकिन बारिश आज हुई नहीं, बादल काफ़ी आए हुए हैं कुछ देख सकते हैं। और मंदिर का दर्शन हम शाम को करेंगे। आ जाओ बाहर आ जाओ। बाहर आ जाए क्या? बाहर आ गए। क्या बना रहे हो यार? भैया मैं अभी जो हलवा है वो बना रहा हूँ, ये हमारा जो सेटअप है। अच्छा ऐसा सेटअप है, इसमें मैं घर से जो सूजी होती है ना, तो पानी वगैरह ना वो सिकी हुई पानी, ये देखो सूजी घर से बनी हुई है,
इससे क्या होगा? इसमें बाल है, बाल रुको रुको, बाल है बाल, ये लकड़ी लाओ, मैं कैमरे से निकालता, रुको रुको, कैमरे से नहीं निकलेगा लकड़ी, यार ये रहा निकल गया। तो ये बाल था, ये बार बाल निकाल दिया, अभी डालिए सूजी। और ये हमारा छोटा सा सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, ये देखो ये अभी पानी सोख लेगा सूजी, तो अच्छी तरह से बन जाएगा। अभी हलवा बन के तैयार हो चुके हैं, चालू है अभी हमारा, हमने अभी छोटा सा भंडारा लगाया, हाँ ग्रुप का भंडारा है यार, दूसरों का नहीं है। तो अभी हम खाते हैं हलवा, अपनी अपनी प्लेटें तैयार कर लो। दोस्तों अभी हमारा हलवा रेडी हो चुका है, तो अभी हम हलवा खाते हैं। सेम टू सेम घर वाली फीलिंग आ रही है, हमारा भी घर ही है टेंट, और ये सुल्तान है लेट के खा रहा है। गाइज बहुत परेशान हो गए, ऊपर पहाड़ पर गए थे तो अभी थोड़ा लेट के आराम कर रहे हैं, और भाइयों ने हलवा बनाया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। मैं तो बाहर गया नहीं, राकू ने और एसपी ने और राजेश ने, इन तीनों ने ही मिलके बनाया दोस्तों। चलो अभी हम हलवा खाते हैं। चलिए हम आए हैं इधर हेलीपैड पर, यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, हेलीकॉप्टर ये वो एक गोल मोटरसाइकिल है और साइकिल। ₹47 है, तो आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, इसके लिए आपको 3 महीने पहले बुकिंग करनी होगी, तो तभी आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। ऐसे कम 5 आदमी हैं मैक्सिमम, और प्राइस ज़्यादा नहीं है, 4,700 रुपये लगते हैं आने जाने के लिए। आपको आना है तो 2360 में हो जाएगा, जाना है तो 2360 में हो जाएगा मैक्सिमम। जैसे इसके ऑनलाइन है क्या, ऑफलाइन है? ऑनलाइन ओनली, तो केवल आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन बनी हुई है, वो पीछे वहाँ पर मंदिर है और इधर सामने देख सकते हैं, और नीचे तक भी बनी हुई लाइन। तो हम कल शाम को इधर पहुँच गए थे, अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, तो लाइन काफ़ी बड़ी है, लाइन में खड़े रहने के 4-5 घंटों से नंबर आता है। तो बाबा जी के दर्शन कैसे करें, तो हम सोच रहे हैं कि मंदिर के पास से वहीं से घुसते हैं और वहाँ से दर्शन करते हैं। लाइन में खड़े रहेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, 5-6 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो हम मंदिर के पास ही घुसेंगे अंदर, बाबा जी का मंदिर। ये है भीमशिला, जो 2013 में आई थी आपदा, उस समय उधर पहाड़ से इधर आकर मंदिर की सुरक्षा की थी। अभी तो ये काफ़ी छोटी है, उस समय आई थी तो काफ़ी बड़ी थी, बोल रहे थे कि मंदिर के बराबर थी, तो उसको काट कर यहाँ पर यूज कर लिया है। ये है आदि शंकराचार्य समाधि स्थल। अभी बाहर बारिश हो चुकी है तो हम दौड़ के टेंट में आए हैं, सांस भी फूलने लगी है, बारिश ने अच्छा बचाव है, और अभी ये रेनकोट पड़े हैं वो पहन के जाएंगे अगर बारिश थोड़ी कम होगी तो। भाई मंदिर के पास में हमारा टेंट है, इस वजह से दौड़ के आ जाते हैं बस। तो दोस्तों अभी बारिश रुक चुकी है और अभी हम दर्शन की लाइन में लगे हैं बाबा के, तो अभी हम बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। रात्रिकालीन में मंदिर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, अभी हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी आसानी से हमको दर्शन मिल गए हैं। फिलहाल सुबह का समय हो चुका है और सुबह का कुछ मौसम इस प्रकार का है, पीछे है पर्वत हिमालय, वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है,
आप देख सकते हो ये पीछे ना ये बनी हुई ना इसमें पत्थर रोकने के लिए बनी हुई है और उसके नेक्स्ट वो दीवारें हैं वहाँ से पानी रोकने के लिए बनी हुई है। हमने टेंट पैक कर लिया है, एक ये टेंट है वो हमारे दोस्त का है, वो बाद में आएगा। तो सुल्तान भाई आगे चले गए, राजेश भाई ये रहे। तो अभी हम चलते हैं वापस सोनप्रयाग के लिए। और ये है बाबा का मंदिर। तो अभी हम बेस कैंप में पहुंचे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े हैं, घोड़े यहाँ तक आते हैं, आगे घोड़े उतरने अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे घोड़े हैं यहाँ पर और भीड़ भी काफी ज्यादा है यहाँ पर। तो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। आप तो हमसे पीछे ऊपर वो पहाड़ी है वहाँ से आए थे। अच्छा, तो अभी हम 5-10 मिनट यहाँ पर रेस्ट करते हैं, बाद में चलते हैं आगे यार और ले लेंगे। तो दोस्तों अभी हम 7 या 8 किलोमीटर आ चुके हैं और हम यहाँ पर चने खा रहे हैं। दोनों हाथ ले, घर से चने लेके आए हैं और चने खा रहे हैं। घाटियों के अंदर इस तरह से चने खाते हैं, एनर्जी कर लाते हैं यहाँ। सेके हुए चने हैं, नमक लगा के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरा बर्फ का पहाड़ वो खुदाई कर रहा है, बर्फ की खुदाई कर रहा है वो देखो। और मौसम कुछ इस तरह का है, पहाड़ों का मौसम कुछ अलग ही है यहाँ। वो देखो सामने लिख रहा है पुल। तो अभी नीचे आराम से उतर जाएंगे, बहुत दूर है अभी। हाँ पहाड़ों में तो आराम से दूर से दिख जाता है, काफ़ी दूर है। खिलाओ ना चने, बोलो चने यार। जितना लो ना उतना ले लो, मैं उनको देखने चलूँगा बात करूँगा। दोस्तों अभी वापस वही पुल आ गया, पैदल पुल ऊपर जाने का, नीचे नदारी और उधर आ गया घोड़ों का पुल, वहाँ पर केवल घोड़े ही जा सकते हैं। ये पुल हिलता है, हिलता डुलता भी रहता है। तो मौसम अभी अच्छा है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। ऊपर मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर आ रहे थे वो वापस गए हैं अभी। तो जब मौसम साफ होगा तब वापस हेलीकॉप्टर आएंगे। ओ उधर देख सुल्तान भैया, अरे देखो हिल रहा है, हिल रहा है, देखो दिख रहा है ना आगे, हैंगिंग ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज इसका जो रहता है ये रहता है। सभी बड़ी मशीनें हैं। तो दोस्तों अभी पीछे बहुत जोर की बारिश हो रही थी तो हमने रेनकोट लगा लिया था। और ये है राजेश भाई, हेलो दोस्तों, इन्होंने निकाल लिया है पन्नी। अब बारिश नहीं आ रही तो क्या करें, अभी आगे बारिश कम है। उधर देखो बादल, देखो आगे बारिश बहुत जोर की हो रही है। सभी ने रेनकोट पहन रखा है, देख सकते हैं। तो अभी हम गौरीकुंड से बाहर आ चुके हैं और बोरा गौरीकुंड, और अभी चलते हैं हम आगे। ये भी देख सकते हो नदी। आज मैं रास्ते में बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी तो मैं रास्ते में ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो अभी वापस जा रहे हैं सोनप्रयाग।
इधर एक भंडारा था उसमें स्टे किया था, और अभी मॉर्निंग के 6 बजे हैं, तो अब हम वापस की ओर निकल जा रहे हैं। पूरा सामने वो जलंधर वाला भंडारा, उसी में हम रात को स्टे किया था, और सुबह का नाश्ता भी उधर के लिए है। और अभी चलते हैं और बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बाबा जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम वापस रोड पर निकल चुके हैं और पीछे रहे हमारे किसान भाई, वो लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं पीछे, और अपन भी लिफ्ट लेकर चलते हैं आगे। और पहाड़ों का दृश्य कुछ इस प्रकार का है, मॉर्निंग का समय है, वो सूर्य देवता भी पहाड़ के पीछे है। तो अभी हमारे को पहली लिफ्ट मिल चुकी है इन भैया के साथ बाइक पर, और अभी जा रहे हैं आगे हम वर्सू तक। हाँ ठीक है, चलो अभी इन भैया ने यहाँ तक छोड़ दिया है, ठीक है भैया, ओके ओके बात। तो इन भैया का घर इधर पहाड़ के ऊपर है, तो वो अभी घर जा रहे हैं। तो इन्होंने समथिंग हमारे को 2 या 3 किलोमीटर लिफ्ट दी है, तो अभी इन भैया ने हमारे को एक और लिफ्ट दी है, और ये जा रहे हैं झरने पर रुके हैं, सिरतन हॉल झरना, और इन भैया ने हमको लिफ्ट दी थी, और यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे, फोटो तो खींचेंगे। देख सकते हैं ऊपर से पानी आ रहा है, इसका सपाट गिर रहे हैं। ये प्राकृतिक का नज़ारा है, देखो पूरा ऊपर से वहाँ से पानी गिर रहा है। तो दोस्तों अभी हम गुप्त काशी पहुँच चुके हैं, अभी हम पैदल चल रहे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है वो किमर जाने का। तो पीछे देख रहे हो वो है गुप्त काशी, गुप्त काशी से एक रास्ता उकीमठ के लिए वहाँ से जा रहा है। वो रास्ता कल बारिश हुई थी, उस वजह से सड़क टूट चुकी है, तो वो रास्ता बंद है अभी, तो इसलिए मैं वहाँ से वापस गुप्त काशी जाके इधर से आया, और इधर से अभी पैदल चल रहा हूँ। इसमें बह रही है नदी, काफ़ी अच्छी नदी है,
सीधे वहाँ जाने के लिए सीधे वो ये वहाँ चौपता जाने के रास्ता है। चौपता जाने के रास्ते है, चलो ठीक है। आप यहीं के हो क्या? कहाँ के हो? अच्छा बिहार झारखंड से हो, चलो कोई बात नहीं। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ चौपता। हम वहाँ से आए थे गुप्तका से, उस रोड से, तो बोला था कल बारिश हुई ना। हाँ ये कल परसों टूटा है, ये कल परसों टूटा है, तो वो टूट गया रोड। हाँ तो कल परसों टूटा है ना, तो गाड़ी गुड़ नहीं अभी आ रहा है ना, ना बस भी आ रहा ना, गाड़ी आ रहा कुछ नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं वापस उधर से जाके इधर से आया ना। उधर से भी गाड़ी जा रहा है ना, उधर से ना गाड़ी जा रहा है। हाँ गाड़ी आ रहा है वहाँ से, लेकिन मैं उधर शॉर्टकट था ना पैदल रास्ता, तो यहाँ से आ गया। चलो ठीक है, ठीक है चलते हैं। आ जाओ आ जाओ साथ में आ जाओ ऊपर। चलो धन्यवाद भैया यहाँ पर छोड़ने के लिए। ओके भैया थैंक यू। हमारे को इन भैया ने लिफ्ट दी है, ये चौपता से समथिंग 12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पहले छोड़ेंगे। भैया क्या नाम है तुम्हारा? आयुष नेगी। क्या नाम है? आयुष नेगी। आयुष नेगी है, आप यहीं के हो ना? चलो चलो फ्रेंड्स, रोज हमारे वालों क्या रोज हमारे वालों स्कैम रहने का, तो पहाड़ों के घर कुछ इस प्रकार से हैं देख लो। हमारे राजस्थान में 50 डिग्री तापमान रहता है। चलो भैया थैंक यू। ठीक है, तो भैया ने यहाँ तक लिफ्ट दिया है हमारे को, समथिंग 20 किलोमीटर है और यहाँ से चौपता 12 किलोमीटर दूर और है, तो चलते हैं अभी आगे। तो फ्रेंड्स अभी चौपता तक की लिफ्ट मिल चुकी है और इन भैया ने लिफ्ट दी है, और ये पहाड़ों पर जंगल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी हल्की लग रही है, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है। पहले मैंने कोट पहना था, वो कोट उतार दिया था, तो अभी वापस पहनना पड़ेगा आगे चौपता में। तो अभी ठंड लगनी स्टार्ट हो गई, तो हमने बाइक को रोककर कोट पहन लिया है फिर से। ठंड है यहाँ पर थोड़ी बहुत। अभी हम चौपता पहुंच चुके हैं और अभी वेट करते हैं राजेश भैया का, वो पीछे आ रहे हैं। जय बाबा की, जय बाबा की। तो अभी हमारे को राजेश भैया मिल चुके हैं यहाँ पर, और इनके साथ ये उनके भी दोस्त हैं
ये गाजियाबाद यूपी से आए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव का मंदिर है, हाईएस्ट महादेव जी का मंदिर, सबसे हाईएस्ट महादेव जी का मंदिर है। चलते हैं, यहाँ पर भी घोड़ों की व्यवस्था है खच्चरों की ऊपर तक जाने के लिए। ये देख लो रेट। तो हम तो पैदल चलेंगे अब, बोलो भाई। तो चलते हैं पैदल, चल के वही। तो अभी हम पहाड़ के जंगलों के बीच में से जा रहे हैं और थोड़ी दूर और बच्चे हैं, चलते हैं। इस पहाड़ पर पूरी ग्रेनेड लगी हुई है। राजेश, और सांस भी धीरे धीरे फूलने स्टार्ट हो चुकी है, तो हम थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं। ये भैया लकड़ी कहाँ से लेके आए आप? नीचे कहाँ? नीचे कहाँ? यहीं पे जिधर से स्टार्ट किया वहाँ से। कितने रुपए लिए? वैसे तो सब लोग ने लिया। हाँ मैं लेके आ गया। अच्छा ओके। तो हमने वो छड़ी ली थी केदारनाथ से, वो किसी से ली थी, वो वहीं पर दे दी किसी को। पहली बार जंगलों के अंदर से जा रहे हैं पहाड़ में। तो अभी रुकते हैं यहाँ पर एक दो मिनट के लिए। राजेश पीछे आ रहा है तो उसका वेट करते हैं यहाँ पर। तो पीछे ये है बाबा तुंगनाथ का मंदिर। तो ये पहाड़ से काफ़ी ऊंचा है और देख सकते हैं चारों ओर बादल ही बादल हैं। तुंगनाथ। तो अभी हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं और चलते हैं वापस नीचे। बोल रहे हैं कि ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। वो देख सकते हैं चारों ओर बादल ही बादल हैं, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये बाबा जी का मंदिर, और उसके बाद चलते हैं हम वापस नीचे की ओर। अभी हम वापस मंदिर से आ गए हैं और ये है पहाड़ी, यहाँ पर बैठ कर आराम कर रहे हैं। अरे वो डाकू ब्लॉगर। और ये सभी बोल रहे हैं डाकू ब्लॉगर। राजेश भाई पीछे आ रहे हैं। तो हम आधी चढ़ाई उतर गए हैं और आधा ही बचा है। अभी हम रेस्ट करेंगे यहाँ पर 15-20 मिनट के लिए। हमारा भाई आ जाए, आ जाए यार। तो दोस्तों फिलहाल हम हैं एक चोपता से आगे, एक छोटा सा गांव है उसमें, और हमने यहाँ पर टेंट लगा लिया है। ये हमारा टेंट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी टेंट हैं जो रेंट पर मिलते हैं। पास में ही नदी बह रही है। तो अभी हम रेडी होते हैं वापस से और चलते हैं आगे। तो आज हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। और अभी हम टेंट पैक करके निकलते हैं जल्दी से, तो चलते हैं आगे। अभी हम आगे हैं रोड पर और यहाँ से चलते हैं आगे और ट्राई करेंगे कि हिचहाइकिंग से चलें आगे। और सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है पहाड़ों का। और हमारे को ये डॉगी छोड़ने आया था यहाँ तक नीचे से, और वो भी चल रहा है आगे आगे। बोल रहा है कि आगे तक और छोड़ के आऊँगा मैं। तो हम चलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी हमारे को एक लिफ्ट मिल चुकी है, पहली लिफ्ट, और ये जा रहे हैं आगे तक। और हम पैदल जा रहे थे तो इन्होंने गाड़ी रोक की, और चलते हैं हम आगे की तरफ। ये सभी भाई लोगों ने हमारे को लिफ्ट दी है। किसके हो भाई? हम राजस्थान के हैं। अच्छा, आप कहाँ इसके? हरियाणा के। अच्छा, तो
अभी हम चमेली पहुंच चुके हैं। उन्होंने हमें समथिंग 50 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी और वो वापस ऋषिकेश चले गए हैं। अपन उनको जाना है बद्रीनाथ, तो इस तरफ है, तो अभी चलेंगे बद्रीनाथ, लेकिन थोड़ा कुछ यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक पराठा लिया है, देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा। अच्छा है पराठा, बढ़िया बढ़िया है। हमने यहाँ पर खाना खा लिया है और अभी चलते हैं बद्रीनाथ। यहाँ से बद्रीनाथ समथिंग 90 या 94 किलोमीटर है। बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ता सीधा वही है, तो चलते हैं अभी इस रास्ते से। और ये है चमोली का मार्केट कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों अभी हम चमोली सिटी से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है हमारे को। इधर इस रास्ते पर गाड़ी तो बहुत चल रही है, तो हमको आराम से लिफ्ट मिल जाएगी। इन भैया ने लिफ्ट दी है, ये बोल रहे हैं कि आप आगे तक छोड़ देंगे हम आपको। तो उत्तराखंड के ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं। अरे हमारा काम यही है, हमारा काम क्या है ना, वो ये टैक्सी चलाते हैं उत्तराखंड में। भाई साहब चार गाड़ियां मेरे को, इनकी चार गाड़ियां हैं। और कहां-कहां चलाते हो आप गाड़ी? हमारे देहरादून पीछे लिखा हुआ है देहरादून। ये उत्तराखंड चार यात्रा चार चार धाम चार धाम पूरी जाते हो? हमारा काम यही है भाई, हम लिफ्ट देते हैं हर किसी को। अच्छा लिफ्ट नहीं देते हो किसी को? चलो इन्होंने हमारे को लिफ्ट दे दी, चलो बैठ जाओ, आपको आगे से छोड़ देंगे। और अभी चलते हैं आगे, दूसरी कोई लिफ्ट मिलेगी। और अभी क्या है कि हाईवे आ चुका है, तो लिफ्ट लेने में बहुत आसानी होगी। ट्रक से हमने समथिंग 50 किलोमीटर तक लिफ्ट ली है। और ये ट्रक यहाँ पर आया है, जल विद्युत परियोजना चल रही है यहाँ पर काम करने के। और यहाँ का दृश्य देख सकते व्यू देख सकते किस प्रकार का है, पीछे पहाड़ ही पहाड़।
वो वहाँ से लिफ्ट दी थी और वहाँ से घूमते 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 पहाड़ों में घूमे हुए थे, यहाँ पर ला कर छोड़ दिया है। भैया इधर रुक गए हैं, तो वो इतनी दूर जा रहे थे, तो अभी हम चलते हैं आगे जोशीमठ। जोशीमठ अभी नज़दीक है ज़्यादा। तो अभी मैं थोड़ा सा पैदल चल रहा था तो एक अंकल जी आए, उन्होंने गाड़ी रोकी हमारे लिए। तो अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश है। हरीश नाम है इनका। आप ये ट्रेवलिंग में लगे हुए? अच्छा, आप ये उत्तराखंड में चारों धाम यात्रा कराते हो? फिलहाल बद्रीनाथ धाम कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल बद्रीनाथ धाम कर रहे हो, चलो बढ़िया है। तो इन्होंने लिफ्ट दी है हमारे को जोशीमठ तक के लिए। तो यहाँ से जोशीमठ समथिंग 3 किलोमीटर और बचा है, तो हम पहुँच जाएंगे आराम से। और रास्ता बहुत ही अच्छा है उत्तराखंड का, पहाड़ों में घूमने का अलग ही मज़ा आता है यहाँ पर। देख सकते हैं जोशीमठ यहाँ पर लिखा हुआ है 2 किलोमीटर और, तो अभी 2 किलोमीटर और बचे हैं। हम जोशीमठ पहुँच चुके हैं, हमने अंकल जी ने यहाँ पर उतार दी और उन्होंने वहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगा रहे हैं। तो अभी हम जोशीमठ पहुँच चुके हैं, ये है जोशीमठ का बस स्टैंड। और अभी हमारा एक फ्रेंड पीछे रह गया है, उनका वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे और उसके बाद चलेंगे बद्रीनाथ की तरफ। और अभी शाम हो चुकी है, शाम के टाइम हो चुके हैं 3 बजे, तो हम सुबह 8 बजे चले थे और 3 बजे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, ये है बद्रीनाथ का बस स्टैंड और यहाँ पर सर्दी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, तो ऑब्वियसली हमने जैकेट पहन लिया है। और अभी मॉर्निंग टाइम हम जा रहे हैं माणा विलेज, ये पीछे है बद्रीनाथ और पीछे देख सकते हैं माउंटेन जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो अभी चलते हैं माणा विलेज जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। माणा विलेज इंडिया का लास्ट विलेज है चाइना बॉर्डर की तरफ। ये बर्फ आइस, ये देखता आइस, वो है माणा गांव। ये हम माणा विलेज जा रहे थे तो रास्ते में ये किसान दिखाई दिए यहाँ पर, ये हल जोल कर खेती कर रहे हैं यहाँ 6 महीने पूरा। अच्छा, 6 महीने रहते हो, 6 महीने वहाँ रहते हो, तो ये खेती करने में कितनी प्रॉब्लम आती है? क्या बो रहे हो यहाँ? आलू बो रहे। आलू बो रहे हो, तो ये कितने दिन में होंगे? ये 3 महीने में। 3 महीने में हो जाएंगे। और पानी की दिक्कत? पानी नहीं चाहिए होता है आलू को, पानी नीचे होता है। क्यों?
उसको मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए बस। अच्छा, खाद और मिट्टी से हो जाता है? यहाँ पर नमी ऑलरेडी है पहले, पानी। अच्छा, खाद वो डाल देते हैं ना। अच्छा अच्छा, नमी होती है। और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पर खेती करने में? खेती करने में परेशानी ये बस बैल गुलों की दिक्कत है, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते। अच्छा, ट्रैक्टर नहीं चलते, इस वजह से आपको हल लकड़ी के हल से करना पड़ता है। लकड़ी के हल से बैलों के साथ। तो बैल यहाँ पे रह जाते हैं, सर्दी वर्दी नहीं लगती इनको? 6 महीने यहीं रहते, 6 महीने बाद ये भी नीचे चले जाते हैं, सब यहाँ के लोग भी नीचे चले जाते। अच्छा, कुछ भी नहीं रहते यहाँ पर? यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। Okay, उस गांव के उस वो गांव है, वहाँ के लोग भी नीचे चले जाते हैं क्या? हाँ, सब वहीं के तो हैं लोग। और अच्छा, आप वहीं के हो, माना गांव के ही हो? अच्छा, ओके। ये आलू 3 महीने में पक्के तैयार हो जाएगा, खाद डाल रहे हैं और ये जो तो छोड़ देंगे, उससे पानी तो आराम से नमी रहती है ज़मीन में, तो उस वजह से आलू आराम से हो जाएंगे। और अभी चलते हैं हम आगे माना गांव में। ऐसे पहाड़ देखने को नहीं मिलते हमारे किसकी? तुम्हारे? हाँ, और हमारे तो इतनी गर्मी है, अभी इतनी गर्मी है। हम लोग हैं स्वर्ग में रहने वाले। हाँ, आप स्वर्ग में रह रहे हो। देहरादून गए ना मैं हॉस्पिटल में, एक ने मेरे को बोला कहाँ से मैं बन रहा है, उसने मेरा पांव ऐसे। क्या बात है, यही तो है ना। हमारी तरह बना आपको, रात को 9 बजे भी है ना, यूँ पसीना पोंछना पड़ेगा, इतना गर्म है। कहाँ के रहने वाले हैं हम? राजस्थान। राजस्थान के? आए हो कभी राजस्थान? आओ देखो, आपको पता चलेगा राजस्थान कैसा है। ये तो पूरी जगह घूम गए सर, कन्याकुमारी लेकर सब राजस्थान वाले। हम यहाँ देख रहे राजस्थान के कलकत्ता। इनको जाने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग यहीं आ जाते हैं। लास्ट इंडियन विलेज माणा विलेज है, तो अभी हम माणा विलेज में चलते हैं। हम माणा विलेज में पहुंच चुके हैं, ये है माणा विलेज। मंदिर है कहाँ? ऊपर है। चलो खाल का बना हुआ है, पहाड़ी से लगता है पहाड़ी बालू की खाल है। ये देखो ऊपर मटके, और ये गड़े हैं उस टाइम के। ये गोमची, ये गोमची क्या चीज है पता नहीं। ये मांचा, मांचा बनाने का सूट काटते हैं उससे पत्थर कटे। ये मटके, ये इंदौरी गट्टी, गट्टी बोलते ना वो घुमाने के लिए, ये बनी हुई है गट्टी ऊपर, ये देखने के लिए। ये चरखा, ये चरखा है जिससे सूत काटते हैं, सूत काटने के लिए चरखा। ये डंडे बनाने लगती जिसमें से, और ये वो चीज़ें जो घोड़ों में खच्चर होता है ना बाल झाड़ने के लिए, और अलग अलग यूज कर सकते हैं इनका भी, टाइप के रखे हैं। ये बंकरी है, इसमें जो पहाड़ी लोग जाते हैं ऊपर से सब्जी हो गई या कुछ और अनाज अनाज हो लेके घास फूस लेने के लिए ये लेके आ गए। ये छाला हम बोलते हैं ना राजस्थानी में, छाला जान वही है, कुछ इस प्रकार का है, तो कुछ इस प्रकार का है। तो चलो अभी चलते हैं वापिस माणा गांव, और दिखाते हैं माणा गांव में कुछ कुछ अलग अलग तरीके की चीज़। जगदीश सिंह रावत, यही क्यों प्रॉपर लोकल? हाँ, तो ये क्या सिस्टम है हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। ये हमारा ये सांस्कृतिक धरोहर है। अच्छा, तो इसको बचाने के लिए मैं कम से कम 17 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये मैंने इंस्टॉलेशन लगा रखा है ताकि लोग आग देखें और हमारा संस्कृति। हाँ, कहने को लोग जो आने वाली नई पीढ़ी है उनको पता लगे कि ऐसी भी कुछ विषय वस्तु हुआ करती थी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं एमए हिस्ट्री से हूँ। अच्छा, से मैंने डिप्लोमा कर रखा है। जी जी जी, तो इसलिए मेरे को इन चीजों से काफी रुचि है। पुराण में महाभारत का लेखन स्थल गणेश गुफा, ये गणेश जी का मंदिर है।
आप यहाँ पर आकर यहाँ की लोकल ड्रेस पहनकर आप इस तरह से फोटो खिंचवा सकते हो, आप सेल्फी ले सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खिंचवा रहे हैं कुछ लोग फोटो। ये देखो, यहाँ की लोकल ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। भैया कितने रुपए लेते हो? 150 रुपए। अच्छा, 150 रुपए में एक फोटो? क्या सभी तैयार करते हैं? अच्छा, 150 रुपए में तैयार करते हैं तैयार फोटो? तो आप अच्छा फोटो हम से लेने को? चलो भाई, तो आप 150 रुपए में यहाँ की लोकल ड्रेस पहनकर तैयार होकर अपने फ़ोन से या कैमरे से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। श्री वेद व्यास गुफा पहुँच चुके हैं, ये है गुफा वेद व्यास की, और यहाँ से गांव का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। इंडिया के लास्ट विलेज की कॉफ़ी पी रहे हैं हम यहाँ पर बैठकर। काफ़ी अच्छी कॉफ़ी लग रही है मेरे को, ब्लैक कॉफ़ी नहीं मिली तो ब्लैक कॉफ़ी मिलती मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता, लेकिन मैं इसी कॉफ़ी पीता हूँ अभी। कॉफ़ी का स्वाद बहुत अच्छा है। वेद व्यास गुफा और ये भारत का आखिरी चाय की दुकान। तो अभी हम जा रहे हैं भीमशिला गांव की दुकान है इस तरह से। हम राजस्थान से आए हैं। पहाड़ों के अंदर से नदी बह रही है। बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीम सेना सेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल के का निर्माण किया था। इस पुल के पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब इस पुल के भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो अभी हम मंदिर जाकर आ चुके हैं। ये मंदिर से ये सरस्वती नदी, ये है भीमशिला जहाँ पर भीम ने ये चट्टान पत्थर रख दिया था बड़ा सा, इससे ऊपर होकर यहाँ से आकर ऊपर केदारनाथ के लिए बढ़े थे आगे ऊपर। और ये है यहाँ से नीचे से ये पानी होकर जाता है आगे की तरफ। कैसे हो? हेलो हेलो हेलो, देख रहे हैं कोई नहीं हमारे, आपके बाहर गए हैं? सब बाहर है हमारे। चलो, ये सब हाथ से बनाते हो आप? सब हाथ से बनाते बेटा। चलो बढ़िया बढ़िया। ये रुई है क्या? धागा है ये, देखो ऊन है ये। अच्छा, ऊन का धागा है, भेड़ बकरी का ऊन है। अच्छा, भेड़ बकरी का ऊन है। चलो चलो गाइस, ये भेड़ बकरी की ऊन से हम बनाते हैं टोपियां खुद हाथ से। तो हमारे को यहाँ पर ये झरना दिखाई दिया है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर हम कर देते हैं स्नान। तो हम रुक के यहाँ पर करते हैं स्नान। पानी तो शायद ठंडा ही है, लेकिन हम स्नान यहाँ पर जरूर करेंगे और स्नान करके चलते हैं वापिस बद्रीनाथ की ओर। तो गाइस, अभी हमने स्नान कर लिया है और कपड़े भी धो लिए हैं। पीछे देख सकते हैं, ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं पीछे पार्ट में। ये वाटरफॉल है, वहाँ पर हमने स्नान कर लिया है। पानी तो बहुत ठंडा है, फ्रिज में बर्फ जमती है ना ठंडा पानी, ये बर्फ का पानी आ रहा है ऊपर से ग्लेशियर से, तो उस ठंडे पानी से हमने स्नान कर लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये नदी बह रही है और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मेरा सामने मंदिर, हमने बद्रीनाथ बाबा जी का दर्शन कर लिया है और आ मंदिर, और अभी चलते हैं वापस अपने टेंट की तरफ। सर्दी बढ़ चुकी है थोड़ी थोड़ी, पास में ये नदी बह रही है। और हमने कल दर्शन कर लिए थे मंदिर के, तो अभी हम वापस जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ। और मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह के टाइम हो चुके हैं 6 बजे, तो अभी हम चलते हैं। इसकी पहली लिफ्ट मिल चुकी है हमारे को, केवल 10 मिनट का वेट करना पड़ा और हम राजेश, मैं और सुल्तान तीनों को एक लिफ्ट मिल चुकी है पिकअप। वाटरफॉल आ चुके हैं, हमारे जूते खराब हो गए नहीं। और
उसने हमको समथिंग 25 किलोमीटर की लिफ्ट दी है और यहाँ पर उतार दिया है। जोशीमठ पहुंच चुके हैं। यह जोशीमठ का मार्केट। जैसे ही मैं जोशीमठ से निकला तो बाहर निकलते ही इन्होंने भाई ने मेरे को लिफ्ट दी है। क्या नाम है आपका? जगदीश भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। अच्छा, इनका नाम जगदीश है, इनका नाम राहुल है। आप यहीं के हो? जी, जोशीमठ हैं ये। तो इन्होंने लिफ्ट दी है हमारे को और राजेश भैया पीछे हैं तो, और इन्होंने हमारे को केला भी खिलाया, एक टेंपल का प्रसाद लेके आई है तो हमारे को दिया, हम खा लिए हैं। तो अभी चलते हैं आगे, ये जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक हमको छोड़ देंगे। भैया ने यहाँ तक हमारे को लिफ्ट दी है समथिंग 4 या 5 किलोमीटर। तो अभी हम चलेंगे आगे, ये यहाँ पर माल लोड करेंगे, यहाँ पर माल लोड करके आगे लेकर जाएंगे। तो हम चलते हैं आगे। हमारे को एक और लिफ्ट मिल चुकी है और इन भाई साहब ने गाड़ी रोक के हमारे को लिफ्ट दी है। क्या नाम है आपको भैया? मेरा दीपक। दीपक कहाँ से हो आप? दीपक कहाँ से? तपोवन। अच्छा तपोवन, हाँ यार एक जगह है तपोवन। ये पीछे आपको क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। सुमन है आप ही? ऋषिकेश है। ऋषिकेश है। आपका क्या नाम है ड्राइवर साहब? मेरा दीपक। अच्छा दीपक नाम इनका, आपका भी दीपक। चलो अभी हमारे को लिफ्ट मिल चुकी है। कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? ऋषिकेश तक जा रहे हो आप लोग? कर्णप्रयाग तक लिफ्ट मिल चुकी है। जो हमने सोचा था आज शाम वहीं रुकेंगे लेकिन लिफ्ट मिल चुकी है तो चलते अभी आगे। हम चमोली पहुंच चुके हैं, यह है चमोली का मार्केट। चमोली मार्केट गाड़ी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस आगे की तरफ। तो दोस्तों इस ट्रक से हमने समथिंग 25 किलोमीटर लिफ्ट दी है। ये है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। ओके बाय बाय। श्रीनगर में हमको कर्णप्रयाग से लेकर श्रीनगर समथिंग 50-60 किलोमीटर लिफ्ट मिल चुकी है। तो अभी हम श्रीनगर आ चुके हैं और चलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों कर्णप्रयाग से हम सुबह जल्दी चले थे तो नाश्ता नहीं किया था, तो अभी श्रीनगर पहुंच चुके हैं, वहां पर हम नाश्ता करेंगे। तो हम नाश्ते में हमारा आलू परांठा आ चुका है और ये सब्जी है। फिलहाल इस वक्त हम हैं श्रीनगर में और हमारे पीछे देख रहे हो ये मंदिर है धारी देवी माता का। तो ये बीच नदी के बीच में बना हुआ है। तो दोस्तों अभी हम माता जी के दर्शन करके आ गए हैं और चलते हैं अभी आगे। ये है ब्रिज बना हुआ है, नदी के ऊपर से बना हुआ है।
और यहाँ पर यह है मार्केट लगा हुआ है, यह है नदी। हमारे को एक बाइक पर लिफ्ट मिली है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आयुष। और ये हमारे को आगे तक छोड़ेंगे थोड़ी दूर, समथिंग 4 या 5 किलोमीटर। तो इन भैया ने हमारे को श्रीनगर ला के छोड़ दिया है। ये वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर है, तो माता जी का मंदिर श्रीनगर से 4-5 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों चलते हैं अभी आगे, और हमारे राजेश भैया पीछे रह गए हैं, तो उनका वेट करते हैं आगे जाके। GoPro की थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसको चार्ज भी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं कीर्ति नगर से निकला था, आज इन भाई साहब जी ने हमारे को लिफ्ट दी है। क्या नाम है आपका? सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह है, ये श्रीनगर से हैं, तो इन्होंने हमारे को लिफ्ट दी है। ये जा रहे हैं ऋषिकेश तक, तो हम चलते हैं ऋषिकेश तक। और एक हमारा फ्रेंड भी रास्ते में जा रहा है, वो उसको लिफ्ट मिल गई है, तो उसको भी रास्ते में पिकअप कर लेंगे। ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, और इन भैया ने हमको समथिंग 100 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी। तो अभी ये है सामने ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, ये रहा हमारे सामने ऋषिकेश का टिकट काउंटर। तो ये है टिकट काउंटर, चलो अभी लेते हैं हम टिकट। कल शाम को मैंने ऋषिकेश से ट्रेन लेकर सुबह मॉर्निंग जयपुर पहुंच गए हैं, और ये हाईवे है जयपुर का। तो अभी हमने ये छाछ ले लिया है, ठंडी छाछ भी, ठंडी ठंडी छाछ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गाड़ी को एक जगह रोककर अभी हम गन्ने का जूस पी रहे हैं यहाँ पर। ये है गन्ने का जूस, तो अभी जूस का जूस है, इसमें बर्फ भी मिलाई हुई है। अभी हम सालासर फंटा पहुंच चुके हैं, ये सीधा जाता है रोड सीकर की तरफ,
और ये है सालासर की तरफ। मैं आ गया हूँ सालासर में। हम सुजानगढ़ पहुँच चुके हैं। हमारे पीछे रहा सुजानगढ़।